अमित सुमित कहाँ है? अरे पिछले हफ्ते के क्लास में कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर डाउट नहीं तो फिर हम आज का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, रेडी? तैयार है ना? बिल्कुल फ्रेश हो के आए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, आज हम थोड़ा सा दो तीन रेफरेंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ये बाइबल किसका साथ क्या बोलते हैं कनेक्ट करते हैं, या तो कनेक्ट नहीं सिमिलैरिटी समानता, किसका समानता करते हैं। दो तीन रेफरेंस में सबसे पहले बता दूंगा, आप लिख सकते हैं सिमिलैरिटी समानता, लिखो सिमिलैरिटी पेन है बेटा, इसका पास पेन नहीं है। समानता, समानता बोलते है ना, पूरा ना पूरा होता है, ये ना का है पूरा, समानता मतलब एक बाइबल किसको किसको समानता करता है। लिखो भजन संहिता 119 105 19 के 119 के 105 119 का 105 भजन संहिता साम्स भजन संहिता 119 का 105 खोल के एक बार पढ़िए भजन संहिता 119 का 105 तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। हाँ, ये क्या है वचन, क्या है पांव के लिए दीपक। आप लिख सकते हैं पांवों के लिए दीपक, इंग्लिश में बोला लैम्प टू माय फीट। ये 119 का 105 लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं, लैम्प टू माय फीट मतलब मेरे पांवों के लिए, मतलब ये बाइबल के बारे में पढ़ने से पहले समझना ये क्या चीज है, क्या है हमारे पांवों के लिए दीपक, दीपक का क्या जरूरत है, रोशनी का जरूरत मतलब नहीं गिरने से एक लाइट का जरूरत। अभी देखो ये लाइट है ना, उधर ही रखा था पिछले दिन में हमें बॉस प्रार्थना के लिए एक लाइट भी था, अभी मैं आके ये कर रहा किस लिए, ताकि लाइट लाइट का सामने सब कुछ दिखेगा और हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। इसलिए बाइबल क्या होता है, लैम्प टू माय फीट, अल्ट लिख रहे LIMP लैम्प टू माय फीट मेरे पांव के लिए दीपक। अगला आप देख सकते हैं काफी बात है, काफी बात लिखा है, उसमें से दो तीन बात मैं बता दूंगा, सब कुछ मैं आपको बताने का जरूरत भी नहीं है, कुछ कुछ बात में जो छोड़ेगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोग देगा। अभी आप जितने लोग सबके पास व्हाट्सएप शोधा शोधा के पास मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जितने जितने बात, क्योंकि सबसे पहले समझना ये बाइबल हमारे पांव के लिए दीपक है, ताकि ये बाइबल का पढ़ने से हम गिरने से बचे, ताकि ये रोशनी जब आएगा तो रोशनी में हम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है यिर्मयाह 23 का 29 23 29 बहुत बात है, इंग्लिश में बोले तो यिर्मयाह बोलते हैं, ये याद रख लिखा आपने लिखा यिर्मयाह 23 का 29 पढ़ेंगे। मैंने बोला बहुत बात लिखा है मगर दो तीन बात जो हमें समझने वाला है वो बात हम सीखेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग से नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं। आग और हथौड़ा, वचन क्या है आग और हथौड़ा, आग मतलब शुद्ध करने वाला चीज होता है, हथौड़ा होता है थोड़ने वाला चीज है, मतलब जो चीज थोड़ने वाला है ये सब कुछ समझ रहे बाइबल। हामर एंड फायर, फायर एंड हामर, इसमें लिख सकते आग और आग हामर हथौड़ा, हथौड़ा को इंग्लिश में हामर बोलते हैं, आप लिख सकते हैं आग, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं हिंदी में हथौड़ा, मुझे भी हथौड़ा को कौन सा आप लिख देते ठीक है। इब्रानी 4 का 12 दो जो जो चाहिए मैं आपको ये लिख लें, इब्रानियों 4 का 12 इंग्लिश में बोलेगा तो हिब्रूस 4 का 12 पढ़े हिब्रू इब्रानी इब्रानियों का पत्र 4 का 12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार। हाँ, ये क्या है दोधारी तलवार, इसमें इंग्लिश में क्या लिखेगा दोधारी तलवार कोई है बाइबल खोल खोलना नेक्स्ट बाइबल खोलना 4:12 दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार हिब्रूस चैप्टर 4:12
किसका पास कौन किसी ने निकाल दो देख पढ़ लेना देखना नहीं कौन किसका पास क्या है पढ़ो For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Two-edged sword. मतलब दोनों edge में English में लिखने वाला लिख सकता है two-edged sword. Sword का मतलब तलवार. Two-edged मतलब दोनों side में दो धारी तलवार. ठीक है दो धारी तलवार. मैंने बोल दिया ना काफी समानता है जो हमें सीखने हैं. नीति वचन 4:22 प्रोवर्ब्स 4:22 प्रोवर्ब्स. अच्छा आपको ये दिख सकते हैं ना क्योंकि ये बोर्ड नीचे रखा है इसलिए प्रोवर्ब 4:22 पढ़ेंगे. नीति वचन 4:22 क्योंकि जिनको भी प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है. हिंदी में ऐसे लिखा इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे 4:22 चंगे रहने का कारण. चंगे रहने का कारण क्या होता है नॉर्मली पढ़ेंगे इंग्लिश पढ़े कोई भी पढ़े इंग्लिश में भी फॉर देयर लाइफ टू दोस टू फाइंड देम एंड हेल्प टू ऑल देयर बॉडी. मतलब ये मेडिसिन है. ये क्या है मेडिसिन चंगाई के लिए मेडिसिन. मेडिसिन को क्या बोलते हैं दवाई है. ये नीति वचन की किताब में लिखा बाइबल क्या है दवाई है. चंगा करने मिलने वालों के लिए एक दवाई है. ठीक है और एक और बात हमें समझना इंपॉर्टेंट बात है यशाया 40:8 यशाया जो मैं बोलते कुछ चीज अगर समझना है तो जरूर मुझसे पूछना. ठीक है 40:8 पढ़ेगा. घास तो सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है सदा अटल रहेगा. लिख सकते हैं सदा. इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा. द ग्रास विदर्स द फ्लावर्स फेड बट द ब्रेथ ऑफ लॉर्ड ब्लोस अपॉन इट. मास थोड़ा सा नीचे करके पढ़ो. मास नीचे करके पढ़ो. द ग्रास विदर्स द फ्लावर्स फेड बट द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉरएवर. Stands forever, हमेशा के लिए. ये वजन हमेशा के लिए. हाँ लिया ये वजन मैं बार बार बाद में बोलूंगा इसलिए आप सब लोग मेमोराइज करना 40:8. ठीक है ऐसे यार 40:8 में लिखा है ये वजन हमेशा अटल है. अटल का मतलब क्या होता है बिल्कुल नहीं हिलेगा. ये वजन अच्छा समझना 40:8 सब लोग याद रखना ये वजन कभी नहीं मगर हम ये वजन पढ़ने के समय पर बहुत बार हमें लगते हैं ये थोड़ा सा समझ नहीं पाता. ऐसे कुछ कभी कभी लगा आपको कुछ कुछ वजन पढ़ने के समय समझ नहीं पा रहे डिफिकल्ट है. कभी लगा डिफिकल्ट है. क्यों ऐसा डिफिकल्ट है हमें नहीं समझा. नहीं समझे ड्यूट्रोनॉमी. ड्यूट्रोनॉमी क्या होता है व्यवस्था विवरण 29:28 पढ़ेंगे. व्यवस्था विवरण 29:28 इंग्लिश में ड्यूट्रोनॉमी बोलते हैं. आप लोग लिख सकते हैं व्यवस्था विवरण. ठीक है 29:28 पढ़े 29:28 और यहोवा ने क्रोध और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया जैसा कि आज प्रकट है. 29:28 है क्या 29:28 हाँ पढ़ेंगे. और यहोवा ने क्रोध और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया जैसा कि आज प्रकट है. आगे अगले वचन पढ़ेंगे बेटा. गुप्त बातें ये कौन सा है. ठीक है फिर मेरा रेफरेंस गलत है. आप 29 लिखना. 29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है. हमारा परमेश्वर यहोवा का वश में है. ये क्लियरली समझना. कुछ कुछ बात अगर हमें नहीं समझ आएगा तो समझना ये गुप्त बात किसका पास है. एक ये समझने के लिए कभी ट्राई नहीं करना. समझ में आ गया. कुछ कुछ चीज गुप्त बात है. डिफिकल्ट करके बोलते हैं हम लोग इसलिए कभी नहीं परेशान है क्योंकि कुछ कुछ गुप्त बात होता है. वो क्या कहां पर किसका पास है परमेश्वर का वश. आगे बढ़ेंगे उसका 29 का. परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के. दो ही बात समझना. सीक्रेट बात परमेश्वर का पास है. जो रिवील्ड हुआ बात है हमारे लिए. इसलिए हम क्या करना है जो हमारे लिए प्रकट हुआ बातों को अनुसार. समझ में आ गया. कुछ कुछ चीज है
कुछ कुछ चीज परमेश्वर छुपा, बिल्कुल ये नहीं है हमें समझ नहीं हो, केवल वो बात नहीं, कुछ कुछ चीज परमेश्वर भी कुछ सीक्रेट करके रखा है, वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए, मगर प्रकट हुआ बात है किसके लिए? हमारी। इसलिए जिसे एक मैंने एक व्यक्ति था मार्क ट्वेन करके, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने ऐसे बताया था, जो मुझे बोध रखता था, जो मुझे कंसर्न होता है, जो प्रकट हुआ बात है, गुप्त बातों के बारे में नहीं। गुप्त बातों के बारे में कुछ कुछ चीज गुप्त है, परमेश्वर ने खुद प्रकट किया। गुप्त मतलब केवल हमारे गुप्त बात नहीं, परमेश्वर भी कुछ चीजों को सीक्रेट करके रखा है, वो किसके लिए? उनके लिए। मगर प्रकट हुआ बात किसके लिए? हमारे। दूसरी बात है हर चीजों के बारे में, एक तरह से देखा जाएगा तो हर चीजों से मुझे ज्ञान मिलना करके सोचेगा तो वो एक तरह से एक घमंड गर्व का बात है, हर चीजों के बारे में ना, जो चीज हमें जानना है वो हमें जानना, मगर हमारे अंदर कुछ चीज, क्योंकि ये ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्ञान हमें मिलेगा तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों 8 का 1, थोड़ा सा एक लाइन गैप छोड़ना, इसका एक और मुझे बताना, इधर लिखना पहले कोरिन्थियों 8 का 1, पहले कोरिन्थियों 8वीं अध्याय पहले वचन। अमूर्तियों के सामने बली की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। इसलिए जो गुप्त बात है किसका पास है? किसका वश में? परमेश्वर का वश में। इसलिए हर चीजों को मैं वो भी मैं जान लूंगा करके कभी कोई, काफी लोगों को मैं जानते हैं, अरे ज्ञान चाहिए, ज्ञान जो नॉर्मली मिलना जरूरी है, मगर ज्ञान क्या करता है? घमंड को उत्पन्न करता है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ना है, जो कुछ आपने बताया आप इंग्लिश में पढ़ेगा तो ना इजी हो जाएगा दोनों को, सबको। हां, नाउ एज टचिंग हिम ऑफर्ड अनटू आइडल्स वी नो दैट वी ऑल हैव नॉलेज, नॉलेज पुट एट अप बट चैरिटी। हां, नॉलेज क्या करता है? एक बार पढ़ना, नॉलेज, नॉलेज पुट एट अप, पुट एट अप। हां, बट चैरिटी, एक दूसरे एक भाषा में नॉलेज पफत करके एक शब्द बोलते हैं, मतलब है पफत है, पुटत नहीं पफत है, पफत मतलब है, और जो ज्ञान आएगा तो मलयाली बोलता है चीर पिकनो, घमंड करता है, जैसे मछली होते हैं, मछली मछली खाते हैं आप लोग? कुछ लोग नहीं खाते, कोई फिर भी आप जानते हैं मछली अगर एक दिन देखा दो दिन जाने के बाद क्या होता है? वो बढ़ जाएगा, अंदर से जो खराब होने के बाद क्या होता है? बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, वही बात है पफत। ज्यादा ज्ञान आएगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि मतलब घमंड आएगा। पत्री में प्रेरित पौलुस घमंड उत्पन्न करते हैं, मगर इंग्लिश में लिखा है पफत, मलयालम में बोलता, मलयालम में क्या बोलते हैं? अरुव चीरपिकुन्नु, चीरपिकुन्नु करके शब्द है, बच्चे लोग इतना नहीं पता, चीरपिक मतलब करते, कब आता है, जैसे कोई चीज काफी टाइम देखने के बाद उसको बर्फ में नहीं देखेगा तो क्या कर गया? बढ़ जाता है, अंदर से वो होने के बाद भूल जाते हैं उसको बोलते हैं। इसलिए हमें ज्ञान तो चाहिए, मगर जो गुप्त बातों के बारे में, जो परमेश्वर का वंश में है, इसलिए हमें कभी टेंशन मत लेना, अरे मैं तो पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं, हमें समझ नहीं आ पा वो बात अलग है, मगर परमेश्वर भी अगर एक चीज को गुप्त रखेगा तो वो ढूंढने के लिए कभी कोशिश मत करना। समझ में आ गया? ठीक है, और एक और भजन डिफिकल्ट होने के एक और कारण बता दूंगा, साम्स भजन संहिता 131 के, ये भी इसका साथ साथ करना, भजन संहिता 131 का एक डिफिकल्ट होने का एक और कारण है, मैंने सबसे पहले बताया था परमेश्वर ने कुछ चीजों को गुप्त रखा है, दूसरे है साम्स 131 का एक, 131 का एक पढ़ेंगे। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हाँ, अधिक कठिन है मतलब कुछ कुछ चीज है जो हमारा चीज समय समझ से बाहर है, छोड़ देना परमेश्वर के लिए, छोड़ देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाद में बताया, या तो परमेश्वर ने गुप्त रखने के लिए अगर परमेश्वर चाहते तो हमें वैसे करना। क्लियर हो गया? इतने क्लियर है? कोई डाउट? अभी हम बाइबल पढ़ने से पहले मैं, अगर ज्यादा स्पीड है तो आप लोग बताना, ठीक है, अगर स्पीड है तो मैं थोड़ा सा आराम से भी बता सकता हूं। बाइबल पढ़ने से पहले मैं 5 बातों को याद रखना, 5 थिंग्स टू रिमेंबर, आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? याद रखने वाला 3 बात, सॉरी 5 बात, वो तो ऐसे बोले ना 3 बात नहीं, 5 बात। बाइबल पढ़ने से पहले 5 बात याद रखना, 5 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर रीडिंग द बाइबल, बिफोर रीडिंग द बाइबल 5 थिंग्स टू रिमेंबर, 5 बात हमें याद रखना, ये सब लोगों को ये याद रखना, ताकि हम बाइबल अभी पढ़ने जा रहे हैं, आज के बाद अगले क्लास से हम उत्पत्ति की किताब से हम सीखेंगे, मगर बाइबल पढ़ने से पहले हमें सीखने वाला
काफी बात है, जैसे होते हैं नॉर्मली एक पांच उंगली होता है, याद रखना पांच उंगली। सबसे पहले हमें करना है पूरा लगातार पढ़ना, इंग्लिश में बोलते रीड इट थ्रू, रीड इट लगातार पढ़ना, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कंड में से लगातार, मतलब समझ में आ गया उसको लगातार बोलते, क्या बोलते हैं लगातार, मतलब उत्पत्ति निर्गमन को क्रमानुसार, आप क्रमानुसार लिख दो, आप क्रमानुसार लिख दो बाइबल क्रमानुसार, रीड इट थ्रू। सबसे पहले हमें थ्रू आउट रीड करना, थ्रू आउट मतलब क्या बोलते हैं थ्रू आउट रीड करना, मतलब एक भी नहीं छोड़ना, जैसे पिछले हफ्ते देवेंद्र ने पूछा था ना कुछ कुछ समय पढ़ना, एक क्या कैसे पढ़ना, सबसे पहले रीड इट थ्रू पूरा ऐसे पढ़ना, ये उंगली का फर्स्ट थंब है, इसको क्या बोलते थंब हिंदी में क्या बोलते इसको, इसको अंगूठा बोलते हैं, अच्छा ये अंगूठा बोलते, ठीक है यही है फर्स्ट रीड इट थ्रू। दूसरा सेकंड प्रे इट, प्रार्थना करना भाई, सबसे पहले पढ़ना, पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रे इट, प्रे इट इन, लगातार हमें पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रार्थना करना, ठीक है। तीसरा हम लोग बहुत कम करने वाले एक बात है मार्क इट डाउन, तीसरे कारण का क्या करना पड़ेगा उसको लिखना, मार्क इट डाउन, जो कुछ हम पढ़ते हैं पढ़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, नोट लिखना, मतलब मार्क करना, मार्क करना, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ या तो लिखना कर लिख दो, मार्क इट डाउन, जो कुछ हम सीख रहे हैं उसके बारे में नोट तैयार करना। इसलिए आप लोग कभी भी बाइबल पढ़ेगा, हमारा एक परमेश्वर के दास है पास्टर पीजी वर्गीस, आप लोग शायद जानते हैं अंधेरिया मोड में, वो हमेशा बोलते हैं, उन्होंने हमेशा बोलते मेरे वो उनका पास दो पेन लिखते, मैं भी पिछले दिन सोचा था ऐसे रहे, मेरे कभी बोला दो पेन लिखते हमेशा, क्योंकि एक अगर नहीं चलेगा तो दूसरे चलेगा, पेन पेपर हमेशा उनका मैसेज आने समय पर ऐसे बोलते, पेपर लेना बुक लेना पेन लेना उसके बाद बैठ क्या, ताकि जो भी कुछ सीखने वाला चीज है तुरंत हम क्या करना पड़ेगा नोट कर, नोट करने के कारण तो हमें कभी नहीं भूलेगा, और बाद में भी अगर देख रहे हैं तो भूल जाते हैं, एक हफ्ते पिछले हफ्ते क्या प्रचार किया पूछेगा तो नॉर्मल लोग भूल जाते हैं, मगर हम नोट करेगा तो जल्दी नहीं भूलेगा, मार्क इट डाउन। फोर्थ वर्ड वर्क इट आउट, उसको हमें क्या करना पड़ेगा वर्क करना, मतलब हमें हमारे काम है ये लागू करना, क्या बोलते हैं वर्क इट डाउन, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं काम में लाना, वर्क इट डाउन, फोर्थ वन वर्क इट आउट, वर्क इट आउट। यशोदा नहीं लिख रहे क्यों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ जो वजन में सीखा समझ में आपको किसको देना, पर सबसे पहले रीड थ्रू तम, दूसरा प्रे इट, तीसरा मार्क इट डाउन, चौथे वर्क इट डाउन, लास्ट में पास इट ऑन, पास समझ में आ गया। इतना ही काम बाइबल पढ़ने से पहले, मगर नॉर्मली क्या करते हैं हम पढ़ने के बाद दूसरे को पास करते हैं, ऐसे करते हैं क्या सबसे पहले क्या करेंगे रीड इट थ्रू पास इट ऑन, ये तीन चीज नॉर्मली लोग नहीं करते, समझ में आ गया। नॉर्मली सबसे पहले बाइबल के बारे में पढ़ते पढ़ने के बाद तुरंत पास, ये गलत है, क्या करना पड़ेगा प्रे करना पड़ेगा, प्रे करने के बाद क्या करना पड़ेगा मार्क करना, उसके बाद हमारे लाइफ में लागू करना, उसके बाद क्या करना पास इट आउट। हमारे लाइफ में कोई भी चीज अगर वर्कआउट नहीं कर पाएगा तो कभी भी वो पास नहीं कर पाएगा। मैं भी काफी चीजों के बारे में कलिसिया में कभी प्रचार नहीं करते, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में मैं लागू करने के लिए कोशिश करने वाला बात है, जब तक मैं लागू नहीं करेगा तो मैं आपको पास इट नहीं कर। ये बाइबल पढ़ने से पहले ये बात दूंगा मैं समय, सबसे पहले रीड इट थ्रू उत्पत्ति से लेकर, इसलिए हम भी सीखेंगे क्रमानुसार सीखेंगे, और दूसरा उसके बाद क्या करना पड़ेगा प्रे करना पड़ेगा, ताकि ये समझाने वाला कौन है पवित्र आत्मा है, इसलिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तीसरा मार्क करना पेन पेपर अपना लैंग्वेज से अपना हिसाब से, इसलिए मैं नोट्स वगैरह इसलिए अगर लेने अगर चाहते तो मैं नोट भी बना देता, मगर अपना भाषा में अपना तरीका से लिखेगा तो हमें पता चलेगा। फोर्थ वन वर्क इट आउट, हाँ सही करें वर्क करना, हाँ सही है मेरे लाइफ में वर्क करना, वर्क करने के बाद लास्ट स्टेप होते पास इट आउट, दूसरे को पता। क्लियर हो गया, पांच बात क्लियर है। ये बाइबल पढ़ने से पहले ये कार्य हमें करना बहुत जरूरी है, और एक और रेफरेंस आप लिखो, ये पांच इतने हैं, उसके बाद एक रेफरेंस आप लिखो नीति वचन पहले अध्याय 23,
सब लोग लिख दिया ना, मैं मिटा दो। अब लिखा पहले अध्याय 23 निधि वजन 123। निधि वजन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स। निधि वजन अध्याय 123 पढ़े। तुम मेरी बात सुनकर मन फिराओ। हाँ मन फिराओ। सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हाँ आत्मा क्या करेंगे? उंडेल। अगर परमेश्वर का बात को वजन को सीखने के लिए हम तैयार है तो क्या करें? परमेश्वर क्या करेंगे? आत्मा को आत्मा उंडेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ एक बार पढ़ेंगे बेटा 123 एक बार पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ना। हाँ तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हाँ बात सुनकर मन फिराओ। क्या करेंगे परमेश्वर? अपनी आत्मा को अपने आत्मा को उंडेलने का मतलब क्या होता है? डालना। इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे। For that they hated knowledge and did not choose the fear of Lord. नहीं मैंने 123 पहले थे 23। Turn you at my reproof. हाँ Behold, I will pour out my spirit. इसमें लिखा है pour my spirit. Pour का मतलब है ऐसे दो ग्लास है तो पानी एक ग्लास में से दूसरे गाने में दूसरे ग्लास में डालता है, इसको क्या बोलते हैं? पोर कुंडेलना। जो जो परमेश्वर का वजन हमारे लाइफ में लागू करके परमेश्वर का वजन घर से चलेगा तो परमेश्वर क्या करे? आत्मा को कुंडेल। समझ में आएगा? पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन यू। इंग्लिश में ये शब्द लिखा है पोर अपॉन माय स्पिरिट। मेरा आत्मा को मैं कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा हम लोग परमेश्वर का? हालेलुया। और ठीक है जना, हम जनरल आइडिया है। अभी हम जानते हैं पुराना नियम और नए नियम का मूल भाषा का बारे में। पुराना नियम को हम ओटी लिखेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट को नए नियम को न्यू टेस्टमेंट बोलेंगे। पुराना नियम कौन सा भाषा में लिखा है? इब्रानी। इब्रानी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिब्रू बोलते हैं। या तो आप इंग्लिश में लिखा है इब्रानी। नी का ये आगे का बेटा वाला है क्या? छोटा वाला है। सही है। न्यू टेस्टमेंट नया नेम कौन सा लिखो? लिखा है। हाँ पुराना नेम कौन सा भाषा में लिखा है? हिब्रू। एक लैंग्वेज है, हिब्रू भाषा है। न्यू टेस्टमेंट कौन सा में लिखा है? ग्रीक में लिखा है। जी आर ई ई के ग्रीक। इसमें क्या बोलते हैं? यूनानी। यूनानी दवाई। देखा सुना है न्यू टेस्टमेंट। पुराना नियम इब्रानी भाषा में है, नया नियम ग्रीक में। ठीक है, इसमें आपका एक होमवर्क मैं देना चाहता हूं। आप हिंदी बाइबल का शुरुआत के बारे में आप खोज कर अगले हफ्ते मुझे पता है हिंदी बाइबल कब आया हमारे हाथ में, या तो ट्रांसलेशन कब हुआ। ए होमवर्क आपका मलयालम बाइबल आ गया 1910 में, आप एक बार अच्छा सा पढ़ना कौन सा भाषा में ये सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किया किताब कौन है? कौन सा है? बाइबल है। सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाला किताब कौन सा है? बाइबल है। इसलिए एक कितने भाषा में किया ये आप खुद अपने होमवर्क है, कितने भाषा में किया। और हम तो हिंदी बाइबल यूज करते हैं, आप हिंदी इंग्लिश भी देखो, इंग्लिश बाइबल कब हमारे पास आया, हिंदी बाइबल। एक बात और बताओ, भारत में जितने भाषाएं होते हैं सबका भाषा का अनुवाद करके हमारे पास आया कोई भारत का लोग है? ये भी जर्मन है। मलयालम का बाइबल किसने बनाया पता है? हरमन गुंडर। आपको हिंदी का मैं होमवर्क दे दूंगा, मेरा मुझे पता है। ठीक है, एक जर्मन वाला एक व्यक्ति है हिंदी बाइबल का भी शुरू। सबसे पहले उर्दू में हुआ ट्रांसलेशन हुआ था, उर्दू से फिर हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ था। ठीक है, इतना समझ। ये आपका होमवर्क है। आप घर पे जाके आपके पास आजकल मोबाइल फोन है ना, एंड्रॉइड है, मुझे पता है गूगल में एक बार सर्च करके जो जो कुछ मिलेगा वो अगले हफ्ते आप में से कोई इधर आके बताना, ताकि मे भी समझ आएंगे बाकी सबको समझ आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम देखेंगे पुराने नियम का क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने नियम का क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अलग कैसे करते हैं हिंदी में? देख लो बेटा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। कौन बोला था वर्गीकरण? हाँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन लिख दो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। मुझे तो इन्हें सबको हिंदी में सच में नहीं पता है। वर्गीकरण ए होगा ना, वर्गीकरण ऐसा ही क्या? हाँ सही है। हाँ जानते थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं जानते मात्रा के बाद इधर ही आएगा ना। आप सही कर लेंगे वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूंगा ये वर्गीकरण करके। अलग लिखा है क्लासिफिकेशन, लिखा है क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्मली हम तीन विभाग करेंगे, थ्री डिविजन आप लिख सकते हैं, थ्री डिविजन, तीन विभाग।
ये पुराना नियम है, पुराना नियम का तीन डिविजन हम करेंगे। बैठने से दिख नहीं पाएगा तो मैं ऐसे थ्री डिविजन में आपको याद रखना है 17 और 5, आप याद रखना 17, 5, फिर 17। फर्स्ट भी कहते करके गैप करके लिखना 17, 5, 17, ये आपने याद रखना पड़ेगा 17, 5, 17। ठीक है, पुराने नियम का जोड़ कर देखो कितना हो गया 39 हो गया, 17 और 17, 34, 34 के पास 5 भी जोड़ेगा तो टोटल 39 हो गया 17, 5, 17। ये आपको याद रखना पड़ेगा 17, 5, 17। ठीक है, ये इसमें पहले 17 है ये इतिहास हिस्टर, आप लिखो हिस्टर। आप बताओ आप बाइबल बाइबल पढ़ने वाले लोग, आपको पता है 5 क्या है 17 क्या होगा? 5 है गीत, गीत या तो पोएम्स, सत्रह भविष्यवाणी। लिखो प्रोफेसी, मैं इसमें हिंदी में लिखना है तो इतिहास पद्य भविष्यवाणी 17, 5, 17। मतलब बाइबल हम खोलेगा तो उत्पत्ति से लेकर शुरुआत का कितना किताब है 17 किताब है हिस्ट्री। अब घर पर जाके देखो उत्पत्ति सब कुछ हिस्ट्री है, किसका हिस्ट्री है? इसराइल की हिस्ट्री, इसराइल का इतिहास है। ठीक है, इसराइल का इतिहास है। और 5 है इसराइल का इतिहास जब था उसी समय का पोएम, और भविष्यवाणी है इसराइल का समय का, इसराइल राज करने के समय पर जितने भविष्यवाणी हुआ वो भविष्यवाणी। क्लियर हो गया 17, 5 लिखा है इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अगेन फिर हम इसको एक और बार डिविजन करेंगे, ये 17 को हम कैसे करेंगे ये अच्छा सा आपने समझना, क्लियर आइडिया होना चाहिए। इसको हम करेंगे 5 प्लस 12, ये 5 ऐसे लिखेंगे 5, ये भी 5 प्लस 12। 17 को हमने डिवाइड किया 5 प्लस 12, 5 तो वैसे रहेगा अगले 5 प्लस 12। इसलिए हमें बाइबल के बारे में पूरा नियम 5 12 5 5 12, ठीक है 5 12 5 5 12 लिखा, अब लिखा है 17 का अगेन हम डिवाइड किया 5 प्लस 12, पोएम तो 5 5 ही रहेगा और प्रोफेसी भविष्यवाणी भी 5 प्लस 12। इसलिए आपको याद रखना 5 12 5 5 12, एक बार बोलो 5 12 5 12, ठीक है 5 12 5 5 12, ठीक है 5 12 5 5 12, ये याद रखना तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें से कौन सा है आप देखेंगे, ये पहले 5 कौन सा है आपको क्लियरली पता है, पहले 5 क्या है? उत्पत्ति, निर्गमन, एक इसका है मूसा का, मतलब आप ये मूसा का है, इसको बोलते हैं पंच ग्रंथ, बोलते हैं मूसा का पंच ग्रंथ। इसको आप लिख सकते हैं उत्पत्ति से लेकर कहां तक है, कहां तक है व्यवस्था विवरण तक 5 किताब। एक इसका है मूसा, मूसा के इंग्लिश में बोलते हैं मोसस, 5 किताब है, पहले 5 का मूसा का पंच ग्रंथ, उत्पत्ति निर्गमन ले व्यवस्था गिनती व्यवस्था विवरण। उसके बाद फिर इतिहास में आएंगे, उसके बाद फिर आप बाइबल जब खोलेगा तो आपको पता चलेगा बाइबल का जो फर्स्ट पेज आप खोलो, जो आपको पता है बाइबल का क्रम जानते हैं ना, सबको पता है ना, उत्पत्ति निर्गमन ले व्यवस्था गिनती प्रकाशित वाक्य 5 किताब मूसा का पंच ग्रंथ है। अगला कितने है 12, 5 प्लस 12 लिखा है ना, कहां से लेकर? यहोशू से लेकर, देखो नहीं ये 12 यहोशू से लेकर, देखो गिनती करके देखो, देखो बोलो यहोशू, हाँ मतलब एस्तेर तक, ठीक है एस्तेर तक, कहां से लेकर कहां तक है? यहोशू से लेकर, यहोशू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? योशुआ से लेकर एस्तेर तक। आप घर पर जाके एक और बार इसको क्लियरली बुक करना, तभी आपको क्लियर पता चलेगा ये 12 बुक है, वो भी हिस्ट्री है मगर पहले मूसा का है, बाकी 12 वो भी यहोशू से लेकर एस्तेर तक। एस्तेर के बाद फिर कौन सा किताब है?
आयुब बजर संहिता नीति वचन सभोपदेशक ये पांच किताब है काव्य पद्य किताब है कौन सा है कहां से शुरू करेंगे आयुब से लेकर श्रेष्ठ गीता आयुब से लेकर श्रेष्ठ गीता जोग टू सोम सोम ये करेंगे जोग आयुब को इंग्लिश में बोलते हैं जोग बोलते हैं ठीक है आयुब से लेकर सोम ऑफ सोम श्रेष्ठ गीता का पांच किताब है एक काव्य किताब है पोएम से इसलिए हमें थोड़ा सा कवि का एक भावना होना चाहिए पद्य लिखने समझने के लिए कवि का एक सोच समझ हमारा अंदर होना चाहिए तभी हमें समझ पाएगा श्रेष्ठ गीत हो अभी हम श्रेष्ठ गीत वगैरह पढ़ेगा तो उसमें एक कविता है कविता समझने के लिए उसी एक सोच होना चाहिए ठीक है इतना बोल दिया नेक्स्ट फ्रेगिन पांच आ गया भविष्यवाणी का अंदर भी पांच आ गया क्या क्या हो सकता है हाँ पांच एक कौन है एक पांच कौन है बड़े भविष्यवक्ता और बारह छोटे क्या ज्यादा मोटा तगड़ा था नहीं ज्यादा भविष्यवाणी दिया उनको क्या बोलते हैं बड़ा प्रॉफिट करके बोलते हैं बड़ा भविष्यवक्ता दूसरा छोटा भविष्य छोटा बड़ा भविष्यवक्ता कौन कौन है हाँ आप लिख सकते हैं यशया से लेकर यशया यिर्मयाह अविलाप गीत वो भी इसका इससे लेकर दानियल तक उधर से लेकर एक सेकंड कनेक्शन ठीक है ना ठीक है जो स्मॉल करेगा स्मॉल कहां से करेंगे दानियल से लेकर मलाखी तक हाँ से लेकर ठीक इतना आपने समझना पांच बारह अभी आप घर पर जाके बाइबल का जो पहले पेज उठाना निकाल का आपने देखना बड़ा भविष्यवक्ता का मतलब बड़ा ज्यादा भविष्यवाणी किया कुछ लोगों छोटा छोटा किया उनको छोटा भविष्यवक्ता बोला ठीक है कम किया उनको कम भविष्य छोटा करके बोलते हैं ज्यादा किया उनको क्या बोलते हैं ये हमें अच्छा समझना पांच बारह ये आपको बार बार बोलेगा तो पुराने नियम का बेटा कोई डाउट है तो मुझसे पूछना ठीक है पांच बारह क्लियर हो गया इसमें कोई डाउट है तो पूछना फ्रॉम नए नियम जाएंगे ठीक है न्यू टेस्टमेंट अभी हम न्यू टेस्टमेंट में जाएंगे नया नियम नया नियम में भी तीन डिविजन है इसमें भी तीन डिविजन पुराने नियम का पांच बारह है नया नियम में भी तीन डिविजन है 5, 21, 1 ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक 5, 21, 1 5, 21, 1 अभी आप बताना पांच क्या क्या है आपको पता है नया नियम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है समाधान कितना है आपके पांच कैसे आ गया इतिहास सिंपल बोलेगा तो ये क्या है वो भी हिस्ट्री है ना यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं यीशु मसीह का इतिहास है ना इसलिए हम हिस्ट्री बोल सकते हैं इतिहास चार यीशु मसीह का है एक कलीसिया का है प्रेरितों का काम क्या है हिस्ट्री है चर्च का हिस्ट्री है और मत्ती मरकुस लूका योहन्ना किसका हिस्ट्री है यीशु मसीह का इसलिए हम टोटली बोलेगा तो ये पांच क्या है इतिहास पांच हिस्ट्री है उसमें से चार यीशु मसीह का है और एक चर्च का हो गया ठीक है चार तो यीशु मसीह का हो गया मत्ती मरकुस लूका योहन्ना और चार यीशु मसीह समाचार बताओ भी यीशु मसीह का ही बायोग्राफी नॉट अ बायोग्राफी है और जो प्रेरितों का काम चर्च का हिस्ट्री मतलब टोटली बोलेगा तो पांच हिस्ट्री आप अगर लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं गॉस्पेल सुसमाचार क्या है यीशु मसीह प्रेरितों का काम
कलिसिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर गॉस्पल चार और एक्ट ऑफ अपोस्टल चार चीज थ्री है प्रेरण का। ये क्या होता है 21 पत्रिया, इंग्लिश में बोलते एपिस्टली या बोलते पत्री। थ्री आगे से होता है, इधर से होता है, इधर से पत्री। हम ऐसे मुझे भी थोड़ा सा पत्री पत्रिया पत्रिया बहुवचन है एपिस्टिल्स, इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टिल, एपिस्टिल ऑफ। उसके लास्ट में क्या है, एक है वो क्या है भविष्यवाणी प्रोफेट प्रोफेसी। थ्री डिवीजन है इतिहास है पत्रिया है पुराने में भी ऐसा था इतिहास इसलिए लगे इतिहास फिर पद्य उसके बाद प्रोफेसी था। इसमें बीच में पद्य की जगह क्या आ गया पत्रिया आ गया, हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री में दो ही हो गया चार तो सुसमाचार यीशु मसीह का स्टडी हो गया और एक कलिसिया का हो गया, ठीक है ये समझना। अभी इसके अंदर एक और डिवीजन हम करेंगे, ये 21 का हम फिर भी करेंगे 14+5, 21 का डिवीजन करेंगे 14+5। क्या है 14+5? हाँ ये पौलुस का है, ये 14 किसका है पौलुस का, पौलुस का इंग्लिश में बोलते हैं पॉल, बाकी है अदर्स दूसरे लोग अन्य लोग। 14 पत्रस का है सॉरी पौलुस का है और कितना है सात अन्य। ये तो 19 है, अच्छा सात है, हाँ पौलुस का 14 पत्री आ गया और अन्य लोगों का, अन्य लोगों के बारे में हम सीखेंगे। इस तरीके से लिखेगा तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। एक बॉक्स जैसे 5 हिस्ट्री 21 उसी 21 का डिवीजन है 14 पत्रिया 14 प्लस 7 है और 14 पौलुस का है और 7 अन्य लोगों का है। तो फिर भी ये 14 का फिर हम करेगा तो इसमें हम बोल सकते हैं 9+9+ कितने 5। ये 14 का हम अगेन डिवाइड करेंगे 9+5 9 और 5, इसे हम बॉक्स बॉक्स करके लिखेगा तो फिर भी ठीक है 521। लिखा है ये 9 में से, ये 9 क्या होता है सा 9 कलिसियों के लिखा, ये पत्रिया प्रेरित पौलुस ने 9 पत्रिया किसके लिए लिखा है कलिसियों के लिखा, चर्च के चर्चेस कलिसिया के लिए 9 लिखा है। ये 5 है एल्डर्स के, एल्डर्स का मतलब बड़े ऐसे लिखा ना किसी का कोई बीमार है तो किसको बुलाया करके बोला प्राची। इंग्लिश में एल्डर बोलते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में जो नॉर्मल एल्डर शब्द होता है ना बड़ा बड़ा भाई, वो शब्द नहीं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में प्राचीन प्राचीन। इतना समझ रहे, ठीक है क्लियर हो गया। 9 में 5 इतिहास 21 पत्रिया और एक भविष्यवाणी और प्रकाशित वाक्य। इसके अंदर 14+7 हो गया 14 पौलुस का है और 7 अन्य लोगों का है और पौलुस का उसमें 14 का 9+5 आ गया 9 कलिसियों के लिखा 7 प्राचीनों के लिखा। उसमें से भी 5 में से आप लिखना नहीं है, ये 5 का भी 4+1 पहुंच सकता है। इब्रानियों का पत्री किसने लिखा है पौलुस का बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं, मगर वो कॉमन लिखा है। इसलिए अगर आप लिखना चाहते हैं 5 का क्या क्या कर सकते हैं 4+1 है, क्योंकि एक तो है कॉमन है किसी कलिसिया के लिए नहीं किसी प्राचीनों के लिए नहीं कॉमन। इसके बारे में थोड़ा सा डिबेट है, इसलिए हम कोई अगर सबूत पूछेगा तो हमारे पास सबूत नहीं, नहीं समझ में आ गया कॉमन है। बाकी कलिसिया को लिखा मैं एक एक करके किताब आने से पता चलेगा कलिसिया को क्या क्या लिखा। अभी एफेसियों कलिसिया को लिखा है, तिमोथियोस किसको लिखा है प्राचीन है एक व्यक्ति को लिखा, इब्रानियों का पत्री किसी किसके लिए लिखा है कॉमन। समझ में आ गया कुछ तो कलिसिया, इसलिए ये बात हमें अच्छा समझना कलिसिया के लिखा पत्री कौन सा है, प्राचीनों के लिए लिखा पत्री कौन सा है और कॉमन किसके लिए लिखा है सभी के लिए। कॉमन को क्या बोलते हैं सभी के लिए लिखा है। ये बातों को हमें अच्छा से समझ, इतना ही नया नियम का क्लासिफिकेशन हाल। और इसमें अच्छा एक बात मैंने भूल गया था, पुराना नियम 32 लेख है,
पुराने नियम में 32 लेख है, सबका नाम हम लोग नहीं बोल नहीं सकते, फिर भी 32 लिख सकते हैं, 32 पुराने नियम का ओदेस, ओल्ड टेस्टमेंट, ओदेस लेख, लेख कितने मैंने बोला 32, 30, न्यू टेस्टमेंट में 8, कितना हो गया 32 + 8 40। नए नियम का 8 लोगों के बारे में क्लियरली बता दूंगा कौन कौन लिखा, मगर पुराने नियम का 32 के बारे में सभी का नाम हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट लिखा है 32, 8 करके हम लिखेंगे, मगर 32 का नंबर नंबर हमें नहीं मिलेगा। ये बात हमें समझ रहे, 29 बुक 18, इसमें लिखो बुक कितने, किताब कितने हैं, किताब 39, अरे किताब का क्या बाय से कर इंग्लिश कर, और इसमें कितना हो गया 27, 29 बुक 29 नहीं 39 बुक कितने लोग लिखा है, 32 लोग लिखा है, और 27 किताब 8 लोग लिखा, ठीक है, ना क्लियर हो गया, कोई डाउट, सुमित आलवी समझ में आ गया, ठीक है, एक ये आपने सीरियसली पढ़ना, ताकि आज मैं बोल के छोड़ेगा तो फिर भी आप लोग बाद में जाके एक बार घर पे जाके देखना, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिलेगा, ये न्यू टेस्टमेंट का या ओल्ड टेस्टमेंट का, नया नहीं पुराने का जो क्या बोलते क्रमीकरण, क्या बोलते विभाग, क्लासिफिकेशन, क्या बोला था, वर्गीकरण जब करेगा तो हमें क्लियर पता चलेगा ये किसके लिए लिखा है। अभी रोमियो के लिखा है, मतलब रोमियो के लिए लिखा है, रोमन कलीसिया के लिखा है, और कोलोसियो के लिखा है, कोलोसियो कलीसिया के लिखा है, ये सब कुछ हमें अच्छा सा समझना, तभी हम बाइबल या तो पत्रिया पढ़ने से हमें क्लियर आइडिया मिलेगा, अरे किस लिए ये बातों को पौलुस ने बोला, ठीक है। अभी बात में कुछ लोगों के बारे में लिखा है, अभी हम नए नियम का ओदेस के बारे में देखें, ठीक है, नया नियम लेखक, लिखो नया नियम लेखक, नया नियम लेखक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओदेस, AUTHER, ओदेस ऑफ न्यू टेस्टामेंट, नया नियम लेखक, किसी को अगर मैं अगर दोबारा भी अगर बोलना चाहता हूं तो आप मुझे बताना, ठीक है, मास भी पहन के बैठने से आपका इमोशन मुझे पता नहीं, तो किसी को अगर स्लो बोलना है तो आप स्लो बोलने के लिए बोलना, फास्ट करो सर, एक बार और बोलो, बोलने के लिए तैयार। इसमें दो ग्रुप है, एक तो है अपोस्टल्स प्रेरित है, और नॉन अपोस्टल, जो प्रेरित नहीं है, इसमें कुछ हिंदी में कुछ शब्द बोल सकते हैं, प्रेरित नहीं है, इंग्लिश में अपोस्टल, नॉन अपोस्टल बोलते हैं, हिंदी में ऐसे कुछ शब्द है क्या प्रेरित, और प्रेरित नहीं उसमें को कोई एक ही सिंगल है, अप्रेरित, अप्रेरित लिखते हैं, मलयालम में अपोस्टल अनअपोस्टल बोलते हैं, ऑपोजिट जैसे होते हैं ना, समझ में आ गया, प्रेरित, अब मैंने पूछने का मतलब ऐसे कोई हिंदी में कोई एक ही शब्द है क्या, अनप्रेरित ऐसे कोई शब्द है, प्रेरित और अप्रेरित, वही मैंने पूछा, वन वर्ड का मतलब वही, प्रेरित और अप्रेरित, प्रेरित भी है अप्रेरित भी है, अब हिंदी में लिखो प्रेरित और अप्रेरित, अभी आप बताना प्रेरित कौन कौन है, वो आप खुद बोलना मुझे, प्रेरित कौन कौन है बताओ, शुरू से करेंगे अरे शुरू से करेगा तो मैथ्यू, डबल टी भी हो सकते, मैथ्यू, मत्ती, दूसरा पकड़ो समारोह, मार्कस, मार्कस प्रेरित था, लुका प्रेरित था, योहन्ना, पीटर, पत्रस, मत्ती, यूहन्ना, पत्रस, याकूब प्रेरित नहीं है, यूहन्ना का भाई, लिखना नहीं भी, याकूब का पत्रिका फर्स्ट पेज पढ़ो, याकूब का पत्री खोलो भैया, पता चल गया वो यीशु मसीह का भाई,
हाँ, यीशु मसीह का भाई वो प्रेरित नहीं, समझ में आ गया? याकूब यीशु मसीह का प्रेरित है, मगर वो प्रेरित याकूब ने नहीं लिखा, वो कौन है? यीशु मसीह का भाई, यीशु मसीह का सगा भाई, मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा, मगर यूसुफ और मरियम में और भी बच्चे हुआ था, उसमें से एक बेटा है याकूब, याकूब ठीक है, वो याकूब नहीं, यीशु मसीह का प्रेरित याकूब, इसलिए प्रेरित का लिस्ट में नहीं। फिर कौन है अगला? थोमा भी है। थोमा कौन सा किताब लिखा? तुम्हारे तुम्हारे जिस समझ तुम्हारे जी पत्री कौन सा है? तुम्हारे जी पत्री बोलो। और कौन है? अंद्रियास। अरे अंद्रियास, इसको मारना पड़ेगा। अंद्रियास के लिए कौन सा, अंद्रियास ने कौन सा पत्री लिखा, लिखे पत्री लिखा वाले होगा? पौलुस, पौलुस, पौलुस। मतलब आप खुद बताओ ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा खुले। मैंने बोला चेले करके नहीं बोला, मैंने बोला प्रेरित, वो चेले भी हो सकते हैं, मगर चेले लोग सब लोग किताब नहीं लिखा। यीशु मसीह का प्रेरित, प्रेरित का मतलब क्या होता है? किसी उद्देश्य के लिए भेजा हुआ प्रेरित, या तो डिसिपल करके बोलेगा तो ये एक्चुअली पौलुस यीशु मसीह का चेला नहीं था, मगर पौलुस ने खुद बोला हुआ एक बात है, मैंने बहुत बार कलीसिया में बताया, आपको पता है पौलुस ने खुद बोला मैं यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस करके पौलुस ने खुद अपने पत्र में लिखा है, इसलिए प्रेरितों का लिस्ट में कौन आएगा? मगर पौलुस चेला था? चेला नहीं था। कंफ्यूजन मत होना, पौलुस एक्चुअली यीशु मसीह का चेला नहीं था, मगर पौलुस ने खुद स्थापित करने वाला बात है, मैं यीशु मसीह का प्रेरित करके क्लियरली लिखा है, इसलिए प्रेरित का नाम में कौन आ गया? पौलुस। चार, देखो चार, 1 2 3 4 फिलिप्पुस, चार अपोस्टल हो गया, चार। अभी अभी हम अप्रेरितों के बारे में देखें, कौन है अप्रेरित, कौन है? शुरू से देखें, मत्ती के बाद फिर मरकुस, मरकुस प्रेरित था नहीं था, मैं एक करके बता दूं, मरकुस प्रेरित नहीं था। दूसरा हाँ लूका, हाँ याकूब, याकूब इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं याकूब, ये कभी डाउट नहीं होना, पुराना नियम का याकूब नहीं, मरकुस लूका याकूब और हाँ यहूदा तो नहीं है, तो यहूदा ही है। यहूदा, यहूदा का इंग्लिश में बोलते हैं जूड, यहूदा, यहूदा। देखो इतना आज हम देखेंगे क्योंकि प्लस बच गया अभी, देखना प्रेरित चार है, अप्रेरित चार, प्रेरित चार है, अप्रेरित चार, कितना कितना लेखक हो गया टोटल? आठ। मगर पुराना नियम का लोगों का हमें टोटल 32 एक एक करके के नाम नहीं लिखे लिख सकते, दे हमें नहीं मिलेगा, मगर टोटली बोलेगा तो 32 समय बोलेगा। इतने आज हम समाप्त करेंगे, अभी आज जो कुछ पता है इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछना, डिवीजन वर्गीकरण अच्छा से समझना, पुराने नियम नया नियम, पुराने नियम में कितना किताब है? 5, 12, 5, 5, 12, वो याद रखना, नए नियम में इसी है कितने 5, 21, 5, 5, 21, इतना आपको मेमोरी में रखना जरूरी होता है। वो 14 का फिर अगेन डिवीजन किया था, 14 का सॉरी 21 का 14 प्लस 5 आ गया, वो 14 पत्रिया पौलुस का है, और पौलुस भी किसको किसको लिखा? कलीसियाओं को लिखा, याजकों को लिखा, एक तो कॉमन है, उसमें थोड़ा सा डिबेट है इसलिए, मगर हमें सीखना एक तो कॉमन है और इब्रानियों का पत्र, बाकी नए नियम का डिवीजन इतना समझना, इसमें 4 प्रेरित लोग भी लिखा है और 4 अप्रेरित लिखा है, प्रेरितों में आता है मत्ती यूहन्ना पत्रस पौलुस और अप्रेरित में मरकुस लूका। अच्छा इसमें से एक और बता दूंगा, इसमें से एक और बात हमें बताना, हाँ इतना ये भी बता दूंगा, इतना आ गया ना, ये दोनों कौन है? याकूब और ए यहूदा कौन है? यीशु मसीह के भाई, हाँ ब्रदर्स ऑफ जीसस, ये कौन दोनों क्या है? ब्रदर्स ऑफ जीसस, ये यीशु मसीह का भाई, भाई लोग याकूब और यहूदा यीशु मसीह का भाई लोग है। मरकुस कौन है बताए? लूका। ये मरकुस किसका चेला था बताए? मरकुस प्रेरित पौलुस का। मरकुस किसका चेला था? पत्रस का चेला था। मरकुस पत्रस का चेला था, लूका पौलुस का चेला था। ये लूका पौलुस का चेला था, डिसिपल ऑफ पॉल, और मरकुस
पत्रस का चेला, पत्रस, पत्रस, ये पत्रस का चेला था मार्कुस, ये पौलुस का चेला था लुका, बाकी दोनों यीशु मसीह का भाई लोग। अभी प्रेरितों की किताब जब पढ़ने के समय पर पौलुस बोले था ना मेरे साथ सहभाग, मेरे साथ चल रहा था, लुका के बारे में बोले, लुका पौलुस का चेला था और मार्कुस किसका चेला था? पत्रस का चेला था। ठीक है, आज हम इतना टॉपिक खत्म करेंगे, 10 बज गया, समाप्त करेंगे। कोई अगर डाउट है तो आप पूछना, आपने अच्छा सा ये पढ़ना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने सोचा था थोड़ा सा आप बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में आप उत्पत्ति का किताब पढ़ के आना, उत्पत्ति का किताब पढ़ने के लिए टाइम है अभी, एक हफ्ते में कितने दिन है, एक हफ्ते में कितने दिन है, उत्पत्ति में कितने अध्याय है, 50 अध्याय, एक दिन में कितने अध्याय पढ़ना, 7 अध्याय पढ़ना, आखिरी दिन में 8 पढ़ना, 7 दिन में 6 दिन में 7 पढ़ना, 7 दिन में 7 पढ़ना, आखिरी दिन में कितने पढ़ना, 8 पढ़ना। ये मत बोलना भैया ने बोला 7 पढ़ना, 8 नहीं पढ़ना पाप, ऐसे करके आप पूरा एक दिन बैठ बैठ के पढ़ो, अनलॉक है टाइम है पढ़ना, क्रमानुसार पढ़ना, और मैं इसका गहराई परमेश्वर आने वाले में बता देगी। आज का जो भी कुछ चीज है, डाउट है तो आपने मुझे पूछना, ये वर्गीकरण अच्छा से समझना, 5:12, 5:5:12 और नए नियम का 5:21a, और उसमें कौन सा है उसके बारे में एक जनरल आइडिया मैंने बताया। ठीक है, आज हम फिर इतना ही समाप्त करें, कोई डाउट है तो पूछना, बाद में भी पूछ सकते हैं, और कोई डाउट आएगा तो बाद में मुझे पूछ। भैया फिर जैसे हम नॉर्मली अगर बोले कि यीशु मसीह के 12 चेले तो बोल सकते हैं, तो प्रेरित में 12 नहीं बोल सकते, 4 ही बोलेंगे, मतलब 4 यहां 4 किताब लिखा हुआ, आप लोग अच्छा किताब लिखा हुआ, जो बाइबल में किताब लिखा हुआ, लोग हम बाइबल का लेखक के बारे में, ठीक है भैया, लेखक है, इस टोटल प्रेरित 4 करके नहीं बोलना, प्रेरित और भी है, मगर जो बाइबल में से पत्रिया लिखा या तो बाइबल में से किताब लिखा 4 लोग है प्रेरित, बाइबल में से जो पत्रिया लिखा है और अप्रेरित लोग है जितने। ठीक है, इंग्लिश में चेले को डिसाइपल्स बोलते हैं, अपोस्टल बोलते हैं प्रेरित, एक काम के लिए किसी को नियुक्त करते भेजा, इसको अर्थ यही है भेजा हुआ है, वो ये अपोस्टल्स। ठीक है, अपोस्टल्स हमें कहीं काम के लिए, परमेश्वर काम के लिए अगर कहीं जाएगा तो हम पास्टर का जगह कॉल में, कुछ लोग अपोस्टल करके लिखे अपोस्टल, अपोस्टल का मतलब है, बहुत लोग इसका अर्थ भी नहीं जानते, कुछ लोग नाम को आगे अपोस्टल करके, अपोस्टल का मतलब है कुछ काम के लिए भेजा गया, इसका अर्थ है अपोस्टल। ठीक है, ये चेले नहीं था मगर पौलुस ने खुद बोला है, मैं प्रेरित में चेला है, मगर पौलुस ने खुद बोला है, ये चेले नहीं था, मरकुस लुका, ये यहूदा, ये चेले नहीं था, मगर पौलुस ने खुद बोला है, मैं प्रेरित में चेला है, ठीक है, अभी सिंपल अर्थ में इतना सोचो, चेला का क्या आप समझ रहे हो, सिंपल, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो मैं इसका दोनों का डिविजन आपको अच्छा से समझा दूंगा, अभी सिंपल समझ लो, चेला और चेले नहीं था, मरकुस लुका ये या यहूदा, ये चेले नहीं था, मगर वो लोग भी किताब लिखा। ठीक है, ठीक है, आज हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करें सब लोग, अपने आंखे बंद करेंगे, देवेंद्र भाई प्रार्थना करके आज का समाप्त। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज की सभा को प्रभु जी सामर्थ्य बल हाथों में सौंपा, जो सीखा जो सिखाए प्रभु जी आपकी ओर से समझ बुद्धि ज्ञान से बढ़ना प्रभु जी, हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपको खुदा राजा मेरे प्रभु जी पवित्र आत्मा के साथ प्रभु जी सहायता, जो भी प्रभु जी यहाँ से सीख के जाए प्रभु जी पूरा ग्रहण हो योग्य, आमेन, इस विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू, सब लोग ये सीखे है ना, ठीक है, नोट तैयार करना, पिछले क्लास